हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने राघवन एम ग्राफिक्स में स्वागत है। आज हम एक छोटी सी जानकारी लेकर के आए हैं जो फोटो कलर करेक्शन के लिए है। इसको ये भी कह सकते हैं कि सीसी यानी कि कलर ग्रेडिंग, ये एक एक्शन है, एक्शन के थ्रू काम करता है और एक्शन बहुत बेहतरीन एक्शन है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और इसमें पासवर्ड होगा, पासवर्ड एक ही बार में बताया जाएगा और आप उसको नोट कर लीजिएगा और ओपन करेंगे तो फाइल खुल जाएगी। तो मैं बता दूं, आज जो मैं दिखाने जा रहा हूं ये एक्शन है। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड जैसे डालेंगे ओके करेंगे ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी फाइल है। अब जैसे फोटोशॉप खोलते हैं, अब फोटोशॉप पे जाएंगे, एक्शन एक्शन जो पहले से होंगे उनको हम हटा देंगे, जैसे कि क्लियर ऑल कर देंगे। अब हम एक्शन को लोड करेंगे। जैसे ही एक्शन को लोड करेंगे ये हमारे पास एक्शन आ गया। अब क्या करेंगे कि कोई एक फ़ोटो ले लेते हैं, हम सैंपल फ़ोटो रखे हुए हैं तो उससे हम फ़ोटो ले लेते हैं। अभी मैं ये ले लेता हूँ फ़ोटो। अब ये सैंपल फ़ोटो है, आप देखिए आजकल एक इफ़ेक्ट चल रहा है बहुत अच्छा, जो कि ये ब्लू इफेक्ट होता है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे ये कितना बेहतरीन इफेक्ट हो जाता है। इसको सिनेमैटिक भी बोलते हैं। तो एक तो ये इफेक्ट है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। एक हम और फाइल खोलते हैं जिससे कि कलर करेक्शन कलर ग्रेड करके दिखा दें हम आपको। कोई डार्क फोटो ले लेंगे एक, जिस पे कलर। अब ये देखिए, जैसे कि कोई भी डार्क फोटो होती है उस पर जब हम करेंगे तो इसको एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ये ऑप्शन आ जाते हैं। उससे हम, आप इसको देखिए, डार्क फोटो है तो इसमें कई ऑप्शन है, नॉर्मल, लाइट, फ्लैटन इमेज करता है, इन्वर्ट कर देता है, जो भी आप काम कर रहे होंगे उसको इन्वर्ट कर देगा। अब जैसे ये डार्क फोटो है तो हम डार्क पे थोड़ा सा क्लिक करेंगे, आप देखिए इस पर कलर करेक्शन एक ही क्लिक में हो गया। ठीक है, अब जो भी आपको करना है इसको अगर रिवर्ट करेंगे तो फिर वैसे ही आ जाएगी जैसी आपकी फ़ोटो थी। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये फ़ोटो वैसी ही आ जाएगी। अब देखिए ये ब्लू इफेक्ट कितना अच्छा आता है इसमें, आप देख पा रहे होंगे कि एक ही क्लिक में इतना अच्छा कलर करेक्शन ये कर देता है, जो कि हम लोगों को वेडिंग में बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे ही इसको हम कलर ग्रेड करते हैं सिनेमैटिक दिखने लगता है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, आप लोग इसको यूज करके देखिएगा। एक डार्क है, नॉर्मल है और लाइट है। जैसे थोड़ी सी लाइट चाहिए तो हो जाएगी, और रिवर्ट करेंगे तो रिवर्ट भी हो जाएगा आपका जो भी आपने काम किया है वो रिवर्ट हो जाएगा। ये देखिए रिवर्ट हो गया। मैं इसके साथ एक और आपको जानकारी दे दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक हैं जो कि PhD फाइलें हैं, वो पेड होती हैं। आज दो लिंक और अपडेट किए गए हैं तो आप उनको देख लीजिए, सबसे नीचे वो लिंक हैं। तो वो जो अपडेट किया गया है डेमो 14 और 15, दो डेमो अपडेट किए गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और ये जो एक्शन है ये आपको एकदम से फ्री मिलने वाला है। इसमें पासवर्ड होगा, पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड में आपको मैं बता दूं, पासवर्ड इसका है मेरा चैनल का नाम। मेरे चैनल का नाम का सिर्फ इतना हिस्सा डालेंगे, राघवेंद्र, और ये आपका एक्शन खुल जाएगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये थोड़ी सी लाइट करनी है फोटो को, तो ये देखिए लाइट, आप देख सकते हैं करेक्शन कितना परफेक्टली करता है। आप कंट्रोल चेक करके देख सकते हैं क्या थी क्या हो गई फ़ोटो, है ना। तो ये क्या है कि ये कैसा एक्शन है जिससे फोटोशॉप में आप एल्बम बनाते ही बनाते करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप एल्बम बना रहे होते हैं, कुछ लगता है कि फ़ोटो में हमें क्रिएटिविटी करनी है तो आप थोड़ी सी लाइट डार्क कर सकते हैं, और उसके बाद में जो ये हमने एक ब्लू इफेक्ट बताया
ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले हम फ्लैटन कर देंगे इमेज को। इस तरह से ये एक्शन काम करता है। तो आज के लिए ये थी एक जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको और कैसी आपको वीडियो चाहिए। और PhD फाइलें पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। उसमें और भी अच्छी अच्छी क्रिएटिव एक्शन दिए जाते हैं जो कि हम फोटोशॉप पे यूज करते हैं और यूट्यूब पे हमने नहीं दिखा सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ें या व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।